नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका प्राइम टाइम डिबेट में। दुनिया का सबसे लंबा किसान आंदोलन अपने अंजाम तक पहुंच गया है। आने वाली पीढ़ियों के लिए यह ऐतिहासिक संघर्ष वाकई एक नजीर रहेगा। सैकड़ों किसानों की शहादत, हजारों किसानों का कर्मयोग कई दशकों तक याद रखा जाएगा। सबसे बड़े सफल आंदोलन के बाद हरियाणा, पंजाब समेत अन्य राज्यों के किसान अपने अपने घरों को लौटने लगे हैं। किसानों की भावनाएं उत्साह बनकर उमड़ रही है। रंग बिरंगी रोशनी से सजे वाहन के साथ किसान जीत के गीत गाते हुए विरोध स्थल से निकलने लगे हैं। इस कार्यक्रम में किसान आंदोलन की पूरी कहानी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। जीत के साथ किसानों की घर वापसी, अब खेतों को लौटेंगे देश के अन्नदाता। हक की लड़ाई में किसानों की जय जय, किसानों का विजय दिवस। टेंट उखड़ रहे, तंबू निकल रहे और लौट रहा लंगर का सामान। आंखों में चमक और चेहरे पर खुशी लेकर खेतों को लौट रहा मेरे देश का किसान। पूरा असी जेड़े काम लई आए थे वो साडा फतेह हो गया। सारा जर्दी कला च है तो कट्ठे पार्टी तुरू साडी लखौंदा ग्रुप दी। जिवें भी कोई होगा साडा जेड़ा फैसला थी हो गया ते एदू बाद जेड़ा हो देखी जाऊ। बहुत खुशी वाली गल आ, सानू साल हो गया बैठे नू। जेड़ा ट्रैक्टर है एक साल 12-13 दिन हो गए उदी खड़ा है, एक साल 12-13। बहुत खुशी गल है, जवाकों ने अपने घर जावे, जवाकों लगे जावे। पिंड वाले उड़ीक कर रहे ने भी कदों आना, कदों असीं जश्न मनाइए, चढ़दी कला जावे, चढ़दी कला जी जितेगा। एक साल से चली आ रही हक की लड़ाई में किसानों की जीत हुई है। बड़ी जीत पर बड़ा जश्न भी लाजमी है। तो आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं कि किसानों ने अपनी एकता और गांधीवादी संघर्ष से सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। किसानों ने नए कृषि कानून वापस करवाए, एमएसपी की भी गारंटी ली और किसानों पर दर्ज हुए मुकदमे वापसी का वादा भी सरकार से लिया। देश के अन्नदाता को खुशी से झूमते हुए देखिए, देखिए कैसे धूमधाम से विजय यात्रा के साथ किसान अपने घरों को वापस जा रहे हैं। किसानों का कहना है कि गांव में पहुंचकर सबसे पहले गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे। इधर हमने कमरे, लग्जरी कमरे बनाए थे, उनमें एक तो एलईडी और एसी, किसी ने कूलर लगा रखे थे, मतलब जैसे किसी की पहुंच थी वैसे उसने आपका जो कमरा बहुत अच्छा बनाया था उसको हम गांव में लेके जाएंगे और पार्क में रखेंगे, चाहे किसी गुरुद्वारे में रखेंगे। आने वाली जो हमारी पुश्तों है, जब जो पीढ़ी है उनको बताएंगे हमने 2021 से ये आंदोलन लड़ा, ये यादगिरी रखेंगे। दुनिया का सबसे लंबा किसान आंदोलन स्थगित हो चुका है। आने वाली पीढ़ियां आंदोलन का ये संघर्ष याद रखेंगी, जिसमें 700 किसानों ने अपनी शहादत दी थी। किसानों ने पुलिस की लाठियां खाई, बुजुर्गों ने हाड़ कंपा देने वाली ठंड ने सड़कों पर दिन गुजारे, लेकिन अपना हक नहीं छोड़ा। ये दिखाता है कि देश का किसान जो ठान लेता है उसे पूरा करके ही मानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। झूमते गाते हुए ढोल लगाड़ों की थाप पर भंगड़ा पाते हुए किसान आज अपने घर लौट रहे हैं। 379 दिनों पहले की स्थिति देखें तो 379 दिनों पहले किसानों के भीतर एक अलग तरह का गुस्सा था। किसान लगातार आक्रोशित हो रहे थे, सरकार भी अपनी बात पर पूरी तरह से अडिग थी कि हम इन कृषि कानूनों को वापस नहीं लेंगे। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े सफल आंदोलन के बाद हरियाणा, पंजाब समेत अन्य राज्यों के किसान अपने अपने घरों को लौटने लगे हैं और यही आज हकीकत है। किसानों की भावनाएं उत्साह बनकर उमड़ रही है, ये भी आज एक हकीकत है। रंग बिरंगी रोशनी से सजे वाहनों के साथ किसान जीत के गीत गाते हुए विरोध स्थल से निकलने लगे हैं।
तो किसान आंदोलन की पूरी कहानी क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको लगातार ये भी बता रहे हैं कि ग्राउंड जीरो पर फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है। तो ग्राउंड जीरो पर फिलहाल यही स्थिति है, चाहे बात सिंघू बॉर्डर की हो, चाहे बात टीकरी बॉर्डर की हो, चाहे बात कुंडली बॉर्डर की हो, चाहे बात टीकरी बॉर्डर की हो, आज ये सारे बॉर्डर खाली होने लगे हैं। लेकिन इस बीच कई ऐसे सवाल है जिस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। मेहमानों का तारुफ आपसे करा देते हैं। आपको बता दें हमारे साथ भाक्यू प्रवक्ता स्वामिंद्र जुड़ गए हैं। स्वामिंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विधुरावल भी जुड़ गए हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हमारे साथ इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेडू भी जुड़ गए हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता ओपी डाबला भी जुड़ गए हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। स्वामिंदर जी, किसानों की ये पूरी कहानी, ये पूरा संघर्ष किस तरीके से आप देख रहे हैं, पहली आपकी प्रतिक्रिया। स्वामिंदर जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा से इसको समस्या को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर साहब आपके पास मैं आऊंगा, किस तरीके से आप इस पूरे किसान आंदोलन को देख रहे हैं, पूरी कहानी 379 दिन पहले से लेकर आज तक की ये कहानी। देखिए, कहानी सारे देश ने देखी है, देश ने देखा है किस प्रकार कुछ मांगों को लेकर आंदोलन हुआ। आंदोलन इस देश में पहले भी होते रहे हैं। आज जब आप कह रहे थे कि जीत गाए जा रहे हैं, आप खुशियां मनाने की बात कह रहे थे, तो मैं ये जरूर आपको संदर्भ में जोड़ना चाहूंगा कि सारा देश इस समय गमगीन है। सारा देश हमारे पीडीएस और उनके साथ साथ जो देश के जवान जो शहीद हुए हैं, मारे गए हैं एक दुखद हादसे में, उस कारण से सारा देश आज गमगीन है। अगर आज कोई खुशी मना रहा है तो उन्हें प्रत्यक्ष में देखना चाहिए कि किस प्रकार की खुशी है या किस प्रकार देश की वेदना और संवेदना किस प्रकार की है। लेकिन ये जरूर कहना पड़ेगा कि देश के अंदर जो एक गतिरोध चल रहा था, लगभग एक वर्ष का गतिरोध था, वो गतिरोध जो है आज समाप्त हो गया और उस पर मोहर जो है आज लग गई। समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया था। आज से लगभग एक महीना पहले ही 19 नवंबर को जब प्रधानमंत्री जी ने अपनी तरफ से यूनिलैटरली एक तरफा किसानों के प्रति अपने संवेदना रखते हुए और इस भाव को रखते हुए कि उन्होंने किसान हित में जो कानून बनाए थे, कुछ लोगों को समझा नहीं पाए, तो उन कानूनों को वापस किया जाए और प्रयास किया जाए कि किसानों के हित में और कदमों पर किस प्रकार से तेजी से बढ़ा जाए। तो इसके लिए उन्होंने एक बहुत प्रगतिशील कदम उठाया था, बड़े दिल वाला कदम उठाया था। मैं स्वयं क्योंकि किसान परिवार से हूं तो कहूंगा कि किसान हृदय का परिचय उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने दिया था उस कदम को लेकर। ठीक है, एक महीना लग गया, उसके बाद से भी आंदोलन खत्म होते 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 और आपस में भी इन लोगों ने खूब चर्चाएं की। इनकी अंदरूनी राजनीति किस प्रकार की रही उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतनी बात जरूर कहूंगा कि एक गतिरोध जो है वो गतिरोध खत्म हो गया। अब वो गतिरोध क्या लेगेसी छोड़ गया है, क्या विरासत छोड़ गया है, उस पर जरूर विचार होना चाहिए कि देश। प्रोफेसर साहब, पूरे देश को दुख है, पूरा देश इस वक्त गमगीन है। जो कुन्नूर में हादसा हुआ, इसको लेकर मैं व्यक्तिगत तौर पर भी स्वामिंदर जी से सवाल पूछूंगा इस संदर्भ में जो आपने पहलू रखा है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह भी है, जब इस देश के ही 700 से ज्यादा किसान आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवा देते हैं, ऐसे में कोई भी इस बात को लेकर दुख नहीं जताता, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक भी ट्वीट नहीं किया, एक भी बात नहीं बोली, ये भी अपने आप में दुखद है। देखिए, जब भाजपा का प्रदेश का प्रवक्ता बोलता है या राष्ट्रीय प्रवक्ता कोई बोलता है तो भाजपा की आवाज मानी जानी चाहिए। मैं आपके चैनल पर और बहुत सारे चैनलों पर खुद आकर बहुत बार ये बात कह चुका हूं, जो मेरे दिल से जुड़ी बात है, इस देश में एक भी व्यक्ति की अगर मृत्यु होती है तो वो दुखद है, उसके प्रति देयर नो टू वेज अबाउट इट, उसमें कोई भी ई फॉर बट की बात नहीं है। हर व्यक्ति, इस देश के हर नागरिक के लिए देश के प्रति संवेदना है। लेकिन जब हम 700 की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि उन 700 से पहले जो पिछले उससे 25 साल पहले जो 4.5 लाख किसानों की ने आत्महत्या कर अपनी जान दी, मुझे लगता है उनके साथ थोड़ा अन्याय कर देते हैं।
हम ये कहें कि 4.5 लाख जमा 700 को मान सकते हैं। देश के अंदर एक भी व्यक्ति अगर किसी की अगर मृत्यु होती है तो दुखद है, और अगर आप मिस कर गए, अगर चूक गए हैं आप, तो मैं आपके चैनल पर फिर से रजिस्टर करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से हर व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है, दुखद मृत्यु हुई है, उसके प्रति हम संवेदनशील हैं। अब ये शहीद और ना शहीद वाला मामला इतना ही है जितना देश का एक वीर सपूत अपने 13 वीर सपूतों के साथ किस प्रकार से अभी एक दुर्घटनाग्रस्त हुए, हम उस पर भी अभी शहीद वाली बात कितनी जा रही है यह चर्चा काफी हद तक उस तरफ भी लेकर जानी पड़ेगी कि शहीद और दुखद मृत्यु के बीच का अंतर क्या है। मुझे लगता है देश इतना परिपक्व हो चुका है कि इस चर्चा को भी अच्छे से करेगा। ठीक है, स्वामिंदर जी किस तरीके से इस संघर्ष को देख रहे हैं, क्या खोया क्या पाया? देखिए, पहले तो मैं अपने हिसाब से ज्यादा हुए शहीद किसानों को भावनी प्रदान करना चाहता हूँ, और दूसरी बात ये है कि आज जो हम पर्व मना रहे हैं बलिदान के लिए पर्व, और ये पर्व के ऊपर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये भारत सरकार के उस अन्यायपूर्ण जो कानून थे जो कोरोना काल के अंदर आए, जिस समय पूरी दुनिया अपने घरों में छुपी बैठी थी, भारतवर्ष के अंदर जो महामारी का दौर था, प्रधानमंत्री जी ने आपदा में अवसर जो अपने मित्रों के लिए तराशा, ये इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री जी उस समय जब देश कोरोना काल में ग्रस्त था, आपने आपदा में जो अवसर ढूंढा और देश के अंदर जो एग्रो बिजनेस था जो आगे बढ़ रहा था, 3.5% की GDP में ग्रोथ दिखा रहा था, प्रोफेसर साहब मैं आपके पास हूं, आपने गिद्धों के साथ मिलकर जो लूट मचाने की कोशिश की, तो उसको किसानों ने कड़े शब्दों में उसका विरोध किया, और यही कारण था कि आपकी वजह से जो हमारे किसान हैं वो शहीद हुए हैं। आपको माफी मांगनी चाहिए थी, आपको ट्वीट करना चाहिए था, आपको तो मौका मिला था 30-40 सत्र में जब आप इन कानूनों को वापस ले रहे थे, 2 मिनट का कम से कम किसानों के लिए मौन तो धारण करने देते, पर आपने ना खुद मौन धारण करने दिया, ना ही आपने विपक्ष को मौन धारण करने दिया, आपने तो शोर मचाए शोर, ऐसा आपने परिचय दिया। तो आज किसान जब अपने घर तहकुचल जा रहा है तो क्यों आप उनके जाने पर भी ऐतराज करते हैं? क्या आप बिंदु रावत जी इस देश को आंदोलन में झोंकना चाहते हैं? आपको नहीं लगता प्रधानमंत्री जी ने कानून वापस स्वामी जी ये आपको नहीं लगता? लेकिन लेकिन स्वामी जी सच में इस पहलू को लेकर गंभीरता के साथ सोचना होगा। मैं समझता हूँ आप जैसे नेता बीजेपी के विरोध स्वामिंदर जी पर्याप्त है, आपको दूसरा स्वामिंदर जी इस पहलू को लेकर गंभीरता से सोचना होगा। पूरा देश गमगीन है कुल्लूर हादसे को लेकर। उत्तर प्रदेश स्वामिंदर जी किसान भी हमारे भाई हैं, हमारे देश का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है किसान भी और जवान भी। जब कोई बड़ा हादसा होता है तो सीधे तौर पर हमारी संवेदनाएं जुड़ जाती है, इस बात में कोई दोराय नहीं। पूरा देश गमगीन है। यस जी, कुन्नूर हादसे के बाद CDS विपिन रावत समेत उनकी पत्नी की जान चली जाती है, 11 अन्य जवानों की भी जान चली जाती है। ऐसे में थोड़ा इस बात को लेकर भी किसानों को सोचना चाहिए था कि जीत का जश्न DJ न बजाकर कम से कम अपने जवानों को, किसानों को इस तरह से भी श्रद्धांजलि शांतिपूर्ण तरीके से दी जा सकती थी। यह जी बता देना चाहता हूँ, आज खुद राकेश कैजी गए श्रद्धांजलि दे के आए हैं, वो अलग बात है, मीडिया विजुअल नहीं दिखाना चाहता। हमारी संवेदना है, हम किसानों के साथ साथ जवानों के साथ है। आप मुझे बताइए कौन से अडानी अंबानी का बेटा है जो देश की सीमाओं की रक्षा करता हो, एक नाम बता दीजिए। आज इस आंदोलन के दौरान जहाँ 700 से ज्यादा सब किसानों के घरों पे आए थे, वहीं कई इससे अधिक सब जो है आपने देखा होगा चाइना के साथ जब दो हाथ लिए किसान जवान ने, वो किसान के बेटे थे, बाप बॉर्डर पे था, स्वामिंदर जी चाइना बॉर्डर पे था। ये जंग आसान नहीं रही, संघर्ष आसान नहीं रहा, लेकिन जाते जाते आप इससे कुछ भी संयोग कहिए कि कुन्नूर हादसे में 13 लोगों की जान चली जाती है, 13 जवानों की जान चली जाती है, ऐसे में DJ बजाना, ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते हुए अपने घर लौटना, किसानों के बेटे भी जवान है,
तो ऐसे में जब संवेदनाएं जुड़ जाती है तो श्रद्धांजलि के लिए कम से कम आज भी इसमें पहलू को लेकर पॉइंट कर रहा हूं। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आज भी हमारे दो किसान बेटे एक ट्रक टक्कर की वजह से, जहां सरकार को लॉ एंड मेंटेन करना था, ट्रैफिक पुलिस की नाकामयाबी की वजह से आज हमारे दो बेटे शहीद हो गए। अजय प्रीत सिंह और सुखदेव सिंह, जो हमारे किसान बेटा आज हमारे बीच में रहे, ये अलग विषय है। क्योंकि ये जो बात करते हैं, जानबूझकर तोड़ मोड़ के बात करते हैं, ठीक है, देश को बांटने की बात करते हैं। ठीक है प्रोफेसर साहब, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर उसके बाद विजेंद्र जी के पास चलेंगे। मैं ये नोट कर रहा था कि आप कितनी बार इनको याद करवा रहे हैं कि देश किस प्रकार से गमगीन है, देश अपने वीर सपूतों की दुखद मृत्यु पर कितने आंसू बहा रहा है, कितने अश्क हमारे जो है नीचे जा रहे हैं। लेकिन बार बार आपके याद करवाने के बाद भी ये जो किसान नहीं है लेकिन किसानों के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर आपकी टीवी डिबेट पर बैठे हुए, ये मैं अन्य डिबेट्स में साबित कर चुका हूँ। अभी मैं मुझे मौका देंगे तो मैं दो मिनट में बता दूंगा कि ये किसान नहीं है, पांच सवाल पूछूंगा, एक सवाल जवाब। लेकिन आपके बार बार कहने के बाद भी इस व्यक्ति के मुंह से एक बार भी उन जवानों के प्रति संवेदना नहीं निकली। ये और जवान जो है, जवान और किसान का एक नाता होता है। जवान जो है किसान का बेटा है, हर किसान आज रो रहा है। देश की सीमाओं की सुरक्षा किसने की है? देश के भीतर अगर अन्न पैदा करने की जिम्मेदारी किसान ने उठाई तो अपने बेटे को सीमा पर भेजकर देश की सीमाओं की सुरक्षा जो है उसी किसान ने की। लेकिन जब किसान सारे रो रहे हैं तो ये व्यक्ति जो यहाँ पर किसानों के प्रतिनिधि बनकर बैठे हुए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने कढ़ाई लेकर बैठे हुए, तवा चढ़ाया हुआ इन लोगों ने, लेकिन इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। और अभी ये हमें प्रवचन दे रहे थे कि जब कानून वापिस हुए उस समय 700 लोगों के लिए माफी क्यों नहीं मांगी। आप 25 साल से जो 4.5 लाख किसानों ने आत्महत्या की है और आपने उस क्रम को वापिस शुरू कर दिया है, एक अच्छे क्रम का विरोध करके आप उन सब के लिए माफी मांगिए स्वामी इंद्र जी, आज यही अच्छा होगा। और ये जो टैक्टिक्स आप करते हैं ना, ये जो खूबसूरत टैक्टिक्स करते हैं, ये कम से कम मेरे साथ ना कीजिए। अभी पांच सवाल आपसे पूछूं, आपका किसान कितने बड़े हैं, ये अभी पोल खुल रहा है, ये आप चैलेंज दीजिए, मैं इसी डिबेट में आपको किसान साबित कर दूंगा। केवल पांच सवाल आज विषय नहीं है प्रोफेसर साहब, लौटते हैं। विजेंद्र रेडू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनेलो प्रवक्ता है। विजेंद्र रेडू जी, आप किस तरीके से इस पूरी कहानी का विश्लेषण कर रहे हैं कि किसने क्या खोया क्या पाया, देश ने क्या खोया क्या पाया, किसान इस देश को विरासत में क्या देकर जा रहे हैं इस किसान आंदोलन के बाद? सबसे पहले मैं इन सभी जो 13 हमारे सैनिक शहीद हुए, जिसमें हमारे देश की सेना के सबसे बड़े योद्धा बिपिन रावत जी और उनके सहयोगी और उनकी पत्नी, मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से सभी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सभी को अपने श्री चरणों में स्थान देकर के उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। दूसरी बात अभी मैं आना चाहूंगा, आज पूरे देश में खुशी का माहौल है और ये खुशी का माहौल होना भी चाहिए। जिस प्रकार से अभी डिबेट चल रही थी कि भाई 13 जवानों की, हमारे जो सेना के बहादुर अधिकारी थे बड़े, उनकी आकस्मिक मौत हुई है और उसके बाद भी किसान खुशी मना रहा है। देखिए, किसान 10 तारीख को फैसला हो जाता है, 11 तारीख को किसानों ने, किसान खुशी नहीं मना रहा, किसान नहीं खुशी मना रहा, चंद राजनीतिक लोग खुशी मना रहे हैं। विदु जी आप बोलने दीजिए, आप किसी को नहीं बोलने देते, एक करके बात रखिए। आप ऐसे मत बकवास किया करो, आप पढ़े लिखे हो, प्रोफेसर लिखवाते हो अपने साथ, आप क्यों बीच में बोलते हो, मेरी बात नहीं पूरी नहीं देते, आप मुझे को भटकाना चाहते हो। विजेंद्र जी हर रोज आपका शब्दों का इस्तेमाल ना करें, विजेंद्र जी इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल ना करें, आप प्रोफेसर, ठीक है ठीक है, एक एक करके बात रखिए, ठीक है ठीक है, विजेंद्र जी अपनी बात रखिए, आप भटकाओ मत, आप भटकाते हो हर बार। विजेंद्र जी अपनी बात, मैं ये कहता हूँ, आपने कंडेला के अंदर 1700 गोलियां चलाकर किसान को भून रखा है, आप किसान की ठेकेदारी ना लेना। आपने 1700 गोलियां चलाई थी कंडेला के अंदर, नगुरा के अंदर 9 किसान। प्रोफेसर साहब एक एक करके मैं सवाल पूछ रहा हूँ, एक एक करके उत्तर लेना बहुत जरूरी है, यह महत्वपूर्ण दिन है, आज इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है, दर्शक आपको देख रहे हैं, यहाँ पर किसकी क्या भूमिका रही है, तो ये क्या खोया क्या पाया, हम इसका विश्लेषण कर रहे हैं, एक एक करके बात करें, एक एक करके, इंडियन नेशनल लोकदल की एक एक करके, ये किसानों की ठेकेदारी हम पर छोड़ ये लोग जो है जी। अरे
अरे आप बात सुनने की हिम्मत रखो, मैं आप सरकार की तरफ से बैठे हो, बात किसान की ठेकेदारी ना लीजिए, आप सुनते नहीं हो, आप हर किसी को दबाने का प्रयास करते हो, हम दबने वाले नहीं हैं आपसे। आप चाहते हो कि हम ठीक है ठीक है ठीक है अपनी बात रखिए, ठीक है विजेंद्र जी अपनी बात रखिए, आप बात सुनिए प्रोफेसर साहब, आप बात सुनिए पहले, दस तारीख प्रोफेसर साहब व्यक्तिगत तौर पर मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, बीच में ना रोकिए ना टोकिए, एक एक करके विजेंद्र जी अपनी बात रखिए, इनको चुप करो। 10 तारीख को सरकार के प्रस्ताव के ऊपर किसानों ने फैसला ले लिया कि आंदोलन वापस लेंगे, और 11 तारीख को 9 तारीख को फैसला हुआ, 10 तारीख को, आज 11 होगी ना, तो भाई 11 को हम 10 को हम यहाँ बैठेंगे, क्योंकि देश में बहुत बड़ी ट्रेजडी हुई है, उसका शोक हम यही बॉर्डर पर बैठ करके मनाएंगे, हम विजय जुलूस नहीं निकाल सकते क्योंकि देश बहुत बड़े सदमे में है। वो उन्होंने अपनी सच्ची श्रद्धांजलि सभी साथियों को देने का काम किया, और क्योंकि इतने लंबे समय से किसान संघर्ष कर रहा था, सर्दी गर्मी में अपने घर बार छोड़कर के वहां बैठा था, और उनको एक जीत हासिल हुई, इस भाजपा के प्रवक्ता को इसका दर्द हो रहा है कि इनको जीत क्यों बोलते हैं ये, इनको जीत हासिल हुई तो कहीं ना कहीं क्या हासिल किया, 750 किसान इन्होंने गवा दिए, तो खुशी तो मनाएंगे ही मनाएंगे, ये क्या इसको एक खुशी मना दी तो क्यों ये इस बात को, इस खुशी इस बात की है क्या, 750 मेरे बीच में मत बोलना बिंदू जी, मैं आपको कड़वी कड़वी सुना दूंगा फिर, नहीं देखिए ये पूरा देश सुन रहा है, ये बहुत बड़ा चैनल है, पूरा देश इसको सुन रहा है, आप डिबेट को डिबेट की मर्यादा में रखें, आप मर्यादा को तोड़ते हैं हर बार, ये मर्यादा तोड़ना आपका फर्ज नहीं होता, बात बताइए प्रोफेसर साहब, एक एक करके, जब आपसे सवाल पूछा था आपने उत्तर दिया, एक एक करके देखिए, एक एक बात रखने दीजिए, विजेंद्र जी अपनी बात रखिए, देखिए स्वयं राकेश टिकैत जी, स्वयं राकेश टिकैत जी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए वहां पर गए, वहां पर भी उनके खिलाफ नारेबाजी की गई, उसको देश का विरोधी बताया गया, देश का दुश्मन बताया गया, अरे भाई वो किसान नेता है, आज के दिन वो आंदोलन सही था गलत था दैट इज सेपरेट इश्यू, बट वो वहां जाता है उसको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, वहां भी उसके खिलाफ नारे लगाए जाते हैं, ये कौन सी बात हुई। यस जी मैं कहना चाहूंगा, देखिए अब हम इसके आंदोलन के ऊपर आते हैं, इन बातों को छोड़िए और बीच में ना बोले भाई को, मेरी तरफ से निवेदन है ये, देखिए इतना लंबा संघर्ष हुआ, संघर्ष के बाद कहीं न कहीं आप ये मान करके चलिए कि ये कानून सही नहीं थे, ये बार बार कहते हैं कि एक मुट्ठी भर किसान थे, थोड़े से किसान थे, वो बाकी किसान अगर होते जो इनके पक्ष में थे, कानूनों के पक्ष में, तो वो अब जरूर उठ करके आते कि भाई इनको रद्द मत कीजिए, इसका मतलब ये स्पष्ट हो गया है कि सरकार ने अपनी गलती को सुधारते हुए इन कानूनों को वापस लिया, और किसान की जीत हुई, सरकारों की कभी हार नहीं हुआ करती, देखिए मैं ये भी बात मानता हूँ सरकारों को कभी हार नहीं होती, लेकिन अपना हक किसान ने लिया तो वो जीत का जश्न मना रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए जब कोई एक तरफा प्रस्ताव लागू किया जाता है, सरकार ने इन कानूनों को एक तरफा लागू किया था, मैं इस बात को आज भी सच्चे अपने दिल से मानता हूँ, अगर सरकार लागू करने से पहले किसान संगठनों से बात कर लेती न तो ये एक साल का आंदोलन होता और न ही 750 किसानों की मृत्यु होती। आगे भी मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा, आगे जिस प्रकार से सरकार ने इन सभी मांगों को माना है, इन पर किसान संगठनों से चर्चा करने के बाद फाइनल फैसला ले, ताकि आगे किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो। ठीक है ओपी डाबला जी, कांग्रेस की तो राजनीतिक दुकान बंद हो गई, जेपी दलाल कह रहे हैं कि अब विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है, उसके पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं है। सबसे पहले तो मैं उन देश के 13 शहीदों को कांग्रेस पार्टी की तरफ से नमन करते हुए उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, और साथ ही उन 700 किसान जिन्होंने अपनी शहादत दी है इस आंदोलन के लिए, उनको भी मैं नमन करता हूं। एक साल से भी अधिक समय तक चले इस आंदोलन की जीत पर मैं उन देश और प्रदेश के उन किसानों को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने एक साल तक गर्मी सर्दी बरसात पानी की बौछारें किल्ले खाइयां सभी बातों को सहन करते हुए अनुशासनात्मक
रहते हुए इस आंदोलन को जीता है, तो इसलिए उनको मैं फिर से बधाई देता हूँ। मैंने अपने जीवन में इतना बड़ा आंदोलन और वो भी ऐतिहासिक कभी नहीं देखा, इसलिए जितना भी जल्दी हो सकती है इस सरकार को जो किसानों से वादे किए हैं, उनके 700 किसानों के परिवारों को चाहे नौकरी देने की बात हो, चाहे उनकी आर्थिक मदद करने की बात हो, उनके मुकदमे वापस लेने की बात हो, उन सब बातों को जल्दी से जल्दी उनका लेकिन ओपी डाबला जी, अब कांग्रेस के पास मुद्दा क्या है? कांग्रेस के पास अब मुद्दा क्या है? कांग्रेस को अब लग रहा है कि मुद्दा भी कांग्रेस के पास बहुत से राहुल गांधी अब कौन सा मुद्दा उठाएंगे? कांग्रेस के पास बहुत से मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, देश में महंगाई का मुद्दा है, और किसानों की जब तक ये बातें पूरी नहीं होगी जब तक हमारे पास ये भी मुद्दे हैं, हम किसानों के पीछे खड़े रहेंगे जब तक किसानों की ये बातें पूरी नहीं हो जाती, जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो जाती। कांग्रेस पार्टी के पास ये मुद्दा ही है, मुद्दा अनेक है, मुद्दे की कोई कमी नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के राज में चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, सब दुखी हैं। मुद्दे अनेक है, मुद्दों की चिंता भारतीय जनता पार्टी को नहीं होनी चाहिए, और मुद्दा के लिए हमारी 12 तारीख को महंगाई को लेकर के पूरे देश की किसान बड़ी संख्या में पंजाब की तरफ भी लौट रहे हैं, और जब किसान पंजाब लौटेंगे, किसान जब पंजाब पहुंचेंगे तो मोगा का लाठीचार्ज उनको याद आएगा, और लाठीचार्ज से ऊपर भी चुनाव में किस तरीके से कौन से राजनीतिक दल को बताना है वो भी किसानों को याद रहेगा, इस बात का आप ध्यान रखिए। किसानों को याद है कि उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के राज में एक साल तक क्या क्या हुआ है उनके साथ, सभी किसानों को पता है, उन्होंने लाठियां खाई है, आंसू गैस के गोले का सहन किए हैं, पानी की ठंडी बोछारे सहन की है, किसानों को सब पता है। आने वाले चुनाव में ये पता लग जाएगा भारतीय जनता पार्टी का किसान किसके साथ लाठीचार्ज में क्या कांग्रेस ने पानी पिलाया था क्या किसानों को? मोगा लाठीचार्ज में किसानों को कांग्रेस ने पानी पिलाया था क्या? कोई ऐसी बात नहीं थी मोगा में, किसानों के साथ थोड़ा बहुत तो होता रहता है, लेकिन इनकी तरह भारतीय जनता पार्टी शासन में जो हुआ वो ऐसा नहीं हुआ। अब कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते ऐसी बात कह रहे हैं कि होता रहता है। किले गढ़वा दी गई थी रस्तों में, खाइयां खुदवा दी गई थी, किसानों पर लाठियां बरसवा दी थी। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, आपने क्या किसानों को प्यार किया था क्या मोगा में? चलिए ठीक है, प्रोफेसर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए किसानों पे हमने कहाँ इतना किया था, मैं बताऊंगा आपने क्या किया। मैं आपको बताऊंगा इन्होंने क्या किया था जी। डाबला साहब मैं बताता हूँ आपने क्या किया था, आपने अपने क्या किया था मैं बताता हूँ ना जी, मैं बताता हूँ आपने क्या किया था। आपने अपने स्टेटमेंट में कहा कि आपने अपने जीवन में ऐसा आंदोलन नहीं देखा, इसलिए नहीं देखा क्योंकि जब आपकी सरकारें थी आप आंदोलनों को पैर के नीचे रोन देते थे, आप आंदोलनकारियों का कत्ल कर देते थे, आप आंदोलनकारियों को जेल में ठूस देते थे। 1975 25 जून की रात सारे देश को याद है। देखिए यश जी, आप डिबेट का ऑर्डर मेंटेन कीजिए, इनको एक बार चुप करवाइए। 25 जून 1975 की वो काली रात सारे देश को आज भी याद है, जब अपनी कुर्सी बचाने के लिए इंदिरा गांधी जी ने पूरे देश के अंदर इमरजेंसी थोप दी थी, सारे देश के विपक्ष को, सारे लोकतंत्र को जेल में ढूंस दिया था, सारे देश को 1984 एक एक करके सारे देश को 1984 की वो दुखद घटनाएं याद है। मुद्दे पर आइए, कहां जा रहे हैं जब? हाँ हाँ, आपको बता रहा हूँ ना, आपको आपकी याद है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा किसानों का डाबला जी, मुझे आपके पास डाबला जी डाबला जी मुझे कहने दीजिए ना, मुझे कहने दीजिए, आपको मैंने रोका नहीं ना, आप बेरोजगारी से लेकर 100 विषय बता रहे थे, अब मुझे कहने दीजिए, मेरा समय आया है। अच्छा तो 1984 में जब आपने इंदिरा गांधी जी की दुखद मृत्यु के बाद आपके कांग्रेसी गुंडों ने किस प्रकार से सिख समाज के 10,000 सिखों को किस प्रकार जो है टायर डालकर उनके गले में उनको 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 जला दिया था, किस प्रकार का नरसंहार किया था, और उसके बाद प्रधानमंत्री बने बने थे राजीव गांधी जी, उन्होंने कहा था, बेशर्मी के साथ कहा था मैं कहूंगा, कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती कांपती है। आपने कहा किसानों की बात करें, तो आपको किसानों का याद करवा दूं, किसानों के साथ आपने क्या किया है,
कादमा के किसान आज तक भूले नहीं है किस प्रकार से आपने किसानों पर गोलियां चलाई थी। आज तक निसिंग के किसान भूले नहीं है, आपने किसानों को गोलियों से भुना था। लोनी के किसान आज तक भूले नहीं है। आपने अपना काला इतिहास को याद करो, अपना काला इतिहास याद करो। आपकी सरकार ने क्या किया था गुजरात में? मैं बड़ी विनम्रता के साथ, आप अपनी बोलिए बाबला जी, अब अपना इतिहास भी बताइए। मैं नहीं, अब ये लोग बीच में बोल रहे हैं, अब मैं नहीं बोल रहा हूँ, अब ये लोग बीच में बोल रहे हैं। अच्छा, मैं विजेंद्र रेडू जी का बड़ा सम्मान करता हूँ, वो आमतौर पर बड़ी तार्किक बात कहते हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं, लेकिन आज वो अजीब सी बातें कह रहे थे तो मुझे इंटरव्यू इसलिए करना पड़ा क्योंकि मैं बड़ा हैरान होता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो इस देश के अंदर फसल बीमा जैसी योजना लाकर किसानों को जोखिम फ्री करने वाली है, वो जिसने एमएसपी पर पिछले 7 साल में दुगने से भी ज्यादा पैसे दिए, जो कांग्रेस ने 10 साल में नहीं दिए थे उससे दुगने हमने 7 साल में दे दिए, वो लोग आकर यहाँ पर हमें प्रवचन करते हैं। लेकिन इसलिए मैं उनको याद करवाना चाहता हूँ कि कंडेला के अंदर किस प्रकार इन लोगों ने जो घोषणा कर चुनाव लड़ा था कि इनकी सरकार आएगी तो बिजली के मीटर फाड़कर जोड़ में फेंक देना, जब किसानों ने याद करवाया, इनका खुद का वादा याद करवाया, तो उस समय इन लोगों ने किसानों को गोलियों से भुना था कंडेला में। ये लोग प्रवचन देते हैं हमें। विजेंद्र जी, अब आप बीच में बोल रहे हैं, अब आप प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं, आप मुझे सिखा रहे थे, आप बड़े हैं सिखा सकते हैं, लेकिन कम से कम खुद भी तो अनुसरण कीजिए ना। विजेंद्र जी एक सवाल पूछने दो मुझे, आप इसे एक सवाल पूछने दो, आप इसे पूछता हूँ मैं सवाल, आप बोलने में आपका मन कर रहा है बोलने का बोलिए। मेरा कुछ दिनों पहले जो कंडेला के बाहर एक खागड़ महाराज जो है उनका स्मारक बना हुआ है, वहां पर जाना हुआ है। ये खागड़ महाराज कौन थे? जब आपकी इंडियन नेशनल लोकदल की पुलिस किसानों पर गोली चलाती थी तो ये खागड़ महाराज ने सैकड़ों किसानों की जान की रक्षा की थी, उनका एक स्मारक बनाया। क्या कभी आपने वहां स्मारक पर जाकर देखा क्या? क्या उस स्मारक पर आप कभी जा पाए क्या? आपको सौभाग्य मिला क्या? आप किस प्रकार से दूसरों को प्रवचन करते हैं, लेकिन आपके मैं बात पूरी कर दूं, आप किस प्रकार सुनो तो आप जवाब तो ले ले, जवाब तो ले ले, अब इस बात का मैं ले लूंगा, जवाब ले नहीं रहे आप, जवाब नहीं ले रहे, अभी लूंगा आपसे जवाब, आपके समय पे आप जवाब दो, जवाब ले लो ना, आप जवाब ले लो, साथ के साथ ले लो, मैं दूंगा अभी, मेरा बात तो पूरी हो जाए। मैं विनोद जी साथ नहीं, नहीं विजेंद्र जी आप बीच में एक एक करके बोल रहे हैं, एक एक करके अपनी बात रखिए, आप बीच में ठीक है ठीक है। प्रोफेसर साहब जल्दी से, अरे आपने सवाल पूछा है, आपने सवाल पूछा मैं जवाब दे रहा हूं, मैं आपसे जल्दी, मैं आप सुनिए, अपने टर्म पे आप बोलिएगा, मैं आपसे सवाल पूछा उत्तर दीजिएगा, मैं भी तो आपका अब उत्तर दे रहा हूँ इतनी देर बाद। ठीक है, मैं जल्दी से अपनी बात पूरी करता हूँ। देखिए, अभी ये अब इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे मुट्ठी भर ही थे, चाहे चंद लोग ही थे, चाहे स्वामी इंद्र जैसे जो किसान नहीं है ऐसे लोग भी उनमें शामिल थे, लेकिन इसके बाद भी ये लोग देश के नागरिक हैं, स्वामी इंद्र भी देश के नागरिक हैं, हमारी इनके प्रति भी संवेदना है। लेकिन स्वामी इंद्र जी को अपने दिल पर हाथ रखकर एक बार ये तो पूछना चाहिए कि ये क्या विरासत में क्या देकर जा रहे हैं, ये किसान को क्या देकर जा रहे हैं। ये एक साल तक जो आपने किसानों को बरगलाकर आंदोलन किया, जिसमें सैकड़ों किसानों की आपने बताया जान गई, सुप्रीम कोर्ट से लेकर सरकार बार बार प्रार्थना करता रहा कि बुजुर्ग लोगों को आप वहां से जाने दीजिए, बच्चों को वहां पर ना आने दीजिए, कोरोना की महामारी के दौरान भी आपने अपनी जिद के दौरान वहां पर कितनी जाने ली, हमने मेडिकल जांच का बार बार आपसे हमने रिक्वेस्ट किया आपसे, आपने मेडिकल टीमों को नहीं वहां घुसने दिया, कभी टेस्ट नहीं होने दिया, लेकिन आज आप ठीकरा दूसरों के सिर फोड़ दीजिए, आप अपने पीठ पर हाथ लगाकर शाबाशी दीजिए अगर आपका हाथ वहां तक पहुंचता है तो। लेकिन मेरा आपसे एक छोटे से निवेदन पूर्वक, विनम्रता पूर्वक आपसे प्रश्न ये है कि आप विरासत में क्या देकर जा रहे हैं? क्या अब वही क्रम 25 लाख जो 25 सालों में 4.5 लाख मौतें किसान की हुई थी, क्या वही का आप क्रम दोबारा दोहरवाना चाहते हैं? आप विरासत में क्या देकर जा रहे हैं, इसका सवाल जरूर दे दीजिएगा। देखिए यशीन जी, बातों को मैं जवाब देता हूँ, ये हर एक को सर्टिफिकेट देते रहते हैं, किसी को देशद्रोही, किसी को खालिस्तानी, किसी को आतंकवादी, पर ये अपने को क्या सर्टिफिकेट देंगे? कोरोना काल जैसी महामारी के अंदर किसानों को सड़क पर बिठाने का जो श्रेय को जाता है, और देश के युवाओं को 2 करोड़ की नौकरी देने की बात कर रहे थे, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात करते हैं, श्रेय इनको जाता है। देश में नोटबंदी को लेकर आए, श्रेय इनको जाता है। और देश के गृह मंत्री तो इनकी वो तारीफ करते हैं देश के प्रधानमंत्री की, कि देश के प्रधानमंत्री जो है बहुत बड़े लिफाफेबाज हैं, उनने बताया कि जुमलेबाज हैं। तो आप देखिए आज बीजेपी के अंदर क्या हो रहा है, इनके घर में ही क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री बोलते 3 कानून वापस ले लिए,
और ये बोल रहे हैं कि कानून बहुत अच्छे थे। अरे भैया, जब प्रधानमंत्री ने वापस ले लिए तो अच्छे कैसे थे? अब ये देखिए आप, किसानों ने इसे डेट बंद बताया, यही कारण था किसान चलकर आए। अरे आप बताइए, आपने देश को इस आग में क्यों झोंका? ऐसा क्या लालच था आपको अपने चंद पूंजीपतियों के खजाने भरने के लिए? कानून बाद में आते हैं, गोदाम पहले बनते हैं। क्या देश की जनता को गोदाम तो 50 साल से बन रहे हैं स्वामी जी? इस देश के स्वामी जी गोदाम तो 50 साल से बन रहे हैं, पार करने की बात कर रहे हैं, 50 साल से बन रहे हैं गोदाम तो। एसेशन कोविड कानून क्या है? ठीक है, एक एक करके बात रखिए, एक एक करके। गुरु जी एक बार इनसे बात करिए, वो हल्ला नहीं करेंगे, वो हल्ला नहीं करेगा। एक एक करके बात कर रहे हैं, इनसे एक बार पूछिए कि कानूनों में पूंजीपतियों के लिए क्या था। एक बार इनसे सवाल जरूर पूछिए, बहुत बोल लिए, सुनता हूँ। ये रटकर आए हुए हैं अपने पैरों में, ये कुल्हाड़ी मार रहे हैं पूरे, आप अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जब देश का किसान आपको समझाने में कामयाब हो गया तो अब आप किसान के ऊपर तोहमत लगा रहे हैं। अरे आपने तो 700 से ज्यादा किसानों की जाने ली है, आपके ऊपर पूरा देश विश्वास नहीं करता। आज आज कोई बच्चा आपकी कसम खाने के लिए तैयार नहीं क्या है? बात कर रहे हैं, अब जानते हैं हम, आप जहाँ से चुनाव लड़ेंगे आइए ना, आप आंदोलन भी जहाँ से चुनाव लड़ेंगे आपकी जमानत का जब्त है। हरियाणा में सबसे बड़ी पार्टी दे चुके हैं, आपकी मौके की सरकार को क्या जवाब नहीं मिला? पूरे प्रदेश में जवाब दिया। ठीक है स्वामींदर जी, ठीक है प्रोफेसर साहब, मेरा आपसे सवाल है, आपने वो कृषि कानून वापस लिए हैं, उन किसानों की बात मानी है जिनको लगातार मुट्ठी भर किसान कहा जाता रहा, जिनको ये कहा जाता रहा कि ये तो कुछ लोग हैं, कुछ वर्ग हैं। प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया कि हम किसानों के कुछ वर्ग को समझा नहीं पाए, लेकिन उन बयानों को किसान कैसे भूलेगा? बीजेपी के सामने, तमाम राजनीतिक दलों के सामने चुनाव सिर पर खड़े हैं, लेकिन किसान उन बयानों को कैसे भूलेगा जिसमें बीजेपी के तमाम नेताओं ने ना जाने किसानों को क्या क्या कुछ कहा। मेरे पास लिस्ट है, कुछ लिस्ट का जिक्र मैं करना चाहूंगा, आप सुनिएगा जरूर। प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने क्या कहा, किसान का नाम आगे करके बहुत सारे लोग हैं, विदेशी ताकतें हैं, चीन है, पाकिस्तान है, भारत के दुश्मन देश हैं, वो सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। यूपी के कानपुर से लोकसभा सांसद और बीजेपी नेता सत्यदेव पचौरी ने क्या कहा, किसान आंदोलन के जरिए खालिस्तान समर्थक फिर से अपने पैर जमा रहे हैं, इन लोगों के मंसूबे विध्वंसकारी हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने क्या कहा, यह आंदोलन अब किसानों का नहीं रह गया क्योंकि इसमें वामपंथी और माओवादी तत्व शामिल हो गए हैं। एमपी की मंत्री उषा ठाकुर ने क्या कहा, पंजाब और हरियाणा में उच्च कोटि के दलाल प्लानिंग के साथ किसान आंदोलन चला रहे हैं और इसमें टुकड़े टुकड़े गैंग भी शामिल हो गई है। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार में कृषि मंत्री कमल पटेल ने क्या कहा, ये किसान संगठन कुकुरमुत्तों की तरह उगाए हैं, ये किसान नहीं है बल्कि एंटी नेशनल है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कहा था, 1 जुलाई का यह बयान है 2020 का, किसी भी कीमत पर कृषि कानून वापस नहीं होगा लेकिन बातचीत के सभी रास्ते खुले होंगे। इन बयानों को, इन घटनाओं को और किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले 700 किसानों की जाने गई है, किसान इसको कैसे भूलेगा? अरे नाम बताइए, आपके मैं बात बड़ी कर दूं या जी, एक बात ये बताइए, हरियाणा की मुख्यमंत्री ने कहा किसानों को तो मरना ही था, घर पे नहीं मरते, यहाँ आकर मर गए हैं, ये भी इन्होंने कहा है? मैंने नहीं सुना ऐसा कोई बयान, ना भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता ऐसा कह सकता। आपकी तरह संवेदनहीन नहीं है, बक्कल उतारने की बात नहीं, हम बक्कल उतारने की और दिल्ली का गला घोटने की और खाल उतारने की और गोला लाने की बात पे डालो, क्या कह रहे हो प्रोफेसर साहब? जवाब, चेहरे का रंग उड़ गया, एक एक करके प्रोफेसर साहब बात करो, मेरा चेहरा भी आपसे ज्यादा चमक रहा है और मेरी बात भी आपसे ज्यादा चमकेगी अगर आप धैर्य से सुनेंगे। पप्पियां उड़ गई, पप्पियां। स्वामींदर जी, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं देखिए आप, ये कितना वाहियात चैनल पर बैठे हैं, आप घर पे बैठे नहीं बिठा दिया, किसान ये है नहीं, इसको कौन बिठा चैनल पर? ठीक है प्रोफेसर साहब जवाब दीजिए, स्वामींदर जी शांत हो जाइए, स्वामींदर जी शांत हो जाइए, जब आपको बोलने का मौका दिया, जब आपने अपनी बात रखी, किसी ने बीच में नहीं डाला, ठीक है प्रोफेसर साहब बात रखी। स्वामी जी की बौखलाहट है क्योंकि वो किसान नहीं है और मैं कई डिबेट में साबित कर चुका हूँ, इसलिए वो बार बार पूंजीपतियों का नाम लेते हैं। अगली बार आए, जो सवाल पूछा था उस बात का जवाब दीजिए।
जी आपने सवाल पूछा था और कुछ नेताओं का नाम लेकर आपने एक दो बातें कही थी। अगर आप धैर्य से मेरी बात का मेरा जवाब सुने तो मैं पूरा जवाब देना चाहता हूँ। आपने हरियाणा के माननीय कृषि मंत्री जी का बयान दिया, उन्होंने कहा कि देश के दुश्मन घात लगाए बैठे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी जनरल बिपिन रावत जो हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने भी ये बात कही थी कि देश के अंदर जो है, देश की दोनों सीमाएं जो है, वो वहां पर दुश्मन इस घात में रहता है कि उसको यहाँ देश के भीतर से कुछ संरक्षण मिल जाए, कोई इस प्रकार की स्थिति बन जाए जहां पर देश के अंदर कोई असंतुष्ट हो तो उसके साथ वो जुड़ जाए, इसमें कोई बात नहीं। इसमें ये कहना कि देश के दुश्मनों को तो निसंदेह खुद खुशी हो ही रही थी, इसमें तो कोई दो बात नहीं। एक हमने देखा ग्रेटा थैनबर्ग ने किस प्रकार से उनकी बेवकूफी के कारण उनका जो टूल किट था वो बाहर आ गया, बता रखा था, टाइमलाइन दिया हुआ था कि 11 तारीख को ये करना है, 18 तारीख को। अब ग्रेटा थैनबर्ग का जो कि दूर नॉर्वे की है, उनका किसान आंदोलन से क्या लेना देना। दूसरी बात आपने कही खालिस्तान वाली, देखिए जो भी कोई इन टेंटों के पास से निकला होगा वहां पर बहुत सारे लोगों ने, आपने खुद कवर किया है, वहां पर बहुत सारी आपत्तिजनक चीजें देखी। अब ये उसको कारपेट के नीचे डालना चाहें तो डालें, लेकिन खुद कांग्रेस के सबसे पहले खालिस्तान की बात जिस व्यक्ति ने उठाई थी वो कांग्रेस के माननीय सांसद हैं, वो कांग्रेस के पंजाब के अंदर जो रवनीत बिट्टू हैं, उन्होंने खुद कहा था, वो टीवी पर रिकॉर्ड पर है, उन्होंने कहा था ये खालिस्तानियों का सारा इसमें फंडिंग हो रही है। हमने नहीं कहा था, उन्होंने कहा था टुकड़े टुकड़े। ये पीयूष गोयल का जो बयान मैंने जिक्र किया, ये आंदोलन अब किसानों का नहीं रह गया क्योंकि इसमें वामपंथी और माओवादी तत्व शामिल हो गए। देखिए मतलब किसान आंदोलन को वामपंथी वाला आंदोलन बताया गया, माओवादी वाला आंदोलन बताया गया, उन्हीं किसानों की बात आपने आज मानी है? हमने नहीं मानी। आप दोबारा आपको एक बात बता दूं, आपकी इस बात का दोबारा जवाब दूंगा कि नहीं मानी है। इससे पहले आपकी पिछली बात का जवाब दूं, वामपंथियों वाली बात। देखिए आज आपकी डिबेट एक बहुत बड़ा जो है एग्जांपल है। एक नॉन किसान यहां पर बैठकर किसानों को लेक्चर कर रहे हैं। स्वामी इंद्र जी किसान नहीं है, इनसे मुझसे करवा दीजिए बेशक। ये आज किसानों के प्रतिनिधि बनकर बात कर रहे हैं, जब इनके नहीं, अगर ये किसान है, अगर ये किसान है, चलो पांच तीन सवाल पूछूंगा। प्रोफेसर साहब व्यक्तिगत टिप्पणियां यहाँ पर नहीं हो रही है, ठीक है व्यक्तिगत टिप्पणियां यहाँ पर नहीं हो रही है। ये प्रोग्राम किसी को एक्सपोज करने के लिए नहीं है, ये प्रोग्राम इस पूरी कहानी का विश्लेषण करने के लिए है कि किसने क्या खोया, किसने क्या पाया। अब आपका जो दूसरा उसी के साथ जो अंश दूसरा था वो ये था कि देखिए देश अब वापस उसी स्थिति में है। चाहे स्वामी जी बुरा मान रहे हैं लेकिन ये किसान नहीं है, जानते हैं ये बात भी, लेकिन स्वामी जी और हम मिलकर अगर किसान कुछ स्वामी जी अच्छी बात बोल रहा था आपके लिए, आप रुक जाइए, नहीं बनने देंगे। आप तो किसान है ही नहीं, आप तो परजीवी है किसानों का, राजनीति करना चाहते हैं। एक एक करके बात रखिए और व्यक्तिगत टिप्पणी ना कीजिए प्लीज। मैं आपसे सभी से एक एक करके आग्रह कर रहा हूँ, व्यक्तिगत टिप्पणी यहाँ पर ना कीजिए, यहाँ पर सर्टिफिकेट ना बांटिए। चलिए मैं पिछले कुछ डिबेट्स में स्वामी जी के साथ लगातार जा रहा हूँ, ये खुद एक डिबेट में मान चुके हैं कि किसान नहीं है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं व्यक्तिगत नहीं जाता, ये नाराज हो जाते हैं, कोई बात नहीं। आज लेकिन आज बड़ा अच्छा दिन इसलिए है कि आज जो है ये आंदोलन वापिस हो गया। हम अब जो है किसान के हित में क्या कर सकते हैं, इस पर अब हमें विचार करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़कर एक समिति के निर्माण की बात कही है, उसमें स्वामी इंद्र जी जिस दल का प्रतिनिधित्व करते हैं उसमें कुछ विवेकशील लोग जो किसानों के बीच काम करते हैं, जो मेरे उन पांच सवालों का जवाब भी देने में सक्षम है, ऐसे कुछ किसान वास्तव में जो किसान है वो जाकर अच्छी बातें कर आए। मैं किसान होने के नाते मैं भी आपसे विनती प्रार्थना आग्रह करता हूं कि आप भी जाकर एमएसपी का किस प्रकार से व्यवहारिक रूप बने। देखिए प्रधानमंत्री जी बड़े संजीदा हैं इस मामले में, किसान को उसकी जो दुर्दशा है उससे बाहर निकालना पड़ेगा, और हम सबको, मुझे स्वामी जी को मिलकर, विजेंद्र जी को मिलकर और कांग्रेस के हमारे डॉक्टर साहब को मिलकर, ठीक है, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। विजेंद्र जी अब आपसे सवाल है, आप किस तरीके से इस पूरी परिस्थितियों का आकलन कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस किसान आंदोलन के दरमियान क्या खोया, क्या पाया, क्या आर्थिक नुकसान देश को हुआ, क्या राजनीतिक नुकसान बीजेपी को हुआ, और इसका आगामी आंदोलनों पर क्या असर पड़ेगा, किस तरीके से आप आकलन कर रहे हैं? देखिए सबसे पहले तो मैं विकरण नहीं करना चाहूंगा, जिस प्रकार से हमारे भाई पुराने इतिहास को उठाने की बात करते हैं, मुद्दे के ऊपर हमें रहना चाहिए। मैं गोधरा कांड की बात नहीं करना चाहूंगा, मैं जाट आरक्षण की बात नहीं करना चाहूंगा, जब 32
के ऊपर गोली चली थी, किसान आंदोलन की हो चाहे हरियाणा प्रदेश में लठ डर बनाने की बात हो, लेकिन कंडेला का जरूर मैं स्पष्टीकरण देना चाहूंगा इनको, कंडेला में चाहे कितनी भी गोलियां चली हो लेकिन एक भी किसान की शहादत नहीं हुई थी। नगुरा में 9 किसानों की हुई थी, ही गोली मारने का आदेश दिया गया था और बीच में फिर बोलने लग गया। नहीं भाई साहब, मैं करेक्ट कर रहा हूँ, सिर्फ मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ बीच में, सिर्फ करेक्ट कर रहा हूँ कि नगुरा सिर्फ 5 किलोमीटर दूर नगुरा में हुआ था। प्लीज प्लीज डोंट स्पीक बिटवीन When I am talking, please don't. खागर महाराज की वजह से नहीं, कोई साइलेंस नहीं, किसान की हत्या नहीं हुई तो खागर महाराज के कारण हुई। प्रोफेसर साहब, आप हर किसी से बोलते हो आप कहाँ के प्रोफेसर हो, आप प्रोफेसर लिखते हो। विजेंद्र जी अपनी बात रखिए, ठीक है। कंडेला में एक आप चुप रहिए विदु जी, प्लीज डोंट स्पीक बिटवीन। आप जो है कंडेला में एक भी मृत्यु नहीं हुई थी। 2016 में जाट आरक्षण के मामले में 32 जवान मारे गए थे और जिसमें फौजियों को देखते ही गोली मारने का आदेश हरियाणा सरकार ने देने का काम किया था। दोनों इसके बाद जो आपने बताया मैं आंदोलन पर आता हूँ, कोई बात नहीं गलत होगी लेकिन दुनिया जानती है इसको। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, इस आंदोलन के दौरान जो है, जो विरासत में आप बार बार क्वेश्चन उठाते हैं कि विरासत में क्या है, मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से किसानों का ये सफल आंदोलन रहा, इसमें सबसे बड़ा देश की राजनीतिक और विरासत में जो ये मिला वो एक सबूत मिला और एक मैंडेट मिला कि प्रजा ही सर्वप्रिय है। अगर प्रजा की मनमानी के खिलाफ आपको आप कोई फैसला करते हो तो आपको वो फैसला वापस लेना ही पड़ेगा। लोकतंत्र में प्रजा सर्वशक्तिमान है, उसकी शक्ति का आदर करना चाहिए। अगर आप आदर करेंगे तो आपका आदर बचेगा, उसका अनादर करेंगे तो प्रजा आदर करवा लेगी। और यही एक सबसे बड़ा विरासत में जो देश को दे करके जा रहा है किसान आंदोलन, ये सबसे बड़ा एक जो है ना मैं कहूंगा गिफ्ट है देश के लिए। आने वाली सरकार भी इसके लिए जरूर विचार करेंगी। और भारतीय जनता पार्टी ने, मैं कहता हूं ये विधु रावल जी आज इतना फालतू बोल रहे हैं, किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं, इन्होंने बहुत बार हमारे सामने इनको उग्रवादी आतंकवादी पता नहीं क्या क्या कहा है, पता नहीं क्या क्या शब्द इन्होंने यूज किए हैं। और इन्होंने ये कहा कि मुट्ठी भर किसान यहाँ पर बैठे हैं, आप के वो बोरी भर किसान कहा है, कहा मुट्ठी भर किसान है, ये इनेलो के वर्कर है, एक तो तथ्य की टांग के वर्कर है, आपने एक ये जो कांग्रेस के वर्कर है, आप बार बार कहा करते थे, आप कहा करते थे, आज आपको बल्कि माफी मांगनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ आज आपको खुद भी अपने लेवल पर भी किसानों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आपने बहुत अब शब्दों का प्रयोग किया किसानों के प्रति। कोई बात नहीं, आप भाजपा के प्रवक्ता थे, भाजपा की पैरवी करना आपका फर्ज बनता था, आपने जम के पैरवी की, लेकिन कम से कम 2 शब्द आप भी किसानों के लिए बोल दो कि जो हमें भाजपा की पैरवी करने के लिए शब्दों का प्रयोग करना पड़ा। मैं तो 200 शब्द बोलना चाहता हूं, मैं तो 200 शब्द बोलना चाहता हूं, अच्छा रहेगा अनुमति मिले, 200 शब्द बोलना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओपी डाबला जी, किस तरीके से देख रहे हैं देश ने क्या खोया क्या पाया? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ, शायद वो भूल गए, वो मंदसौर कांड जो किसान 6 किसान बोल दिए थे वो भी भूल गए, लखीमपुर कांड में जो किसानों की जो उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ाई वो भी भूल गए, गोधरा कांड भी भूल गए, अब जो 700 किसान हैं उनको भी बोलते जा रहे हैं। मैं उनको ये भी आज के दिन जब किसान ये आंदोलन खत्म हो गया है तो इनसे मैं एक विनती करता हूँ कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब किसानों के विरुद्ध जो लाठियां उठाने की बात कही थी, बीजेपी के एक सांसद ने हाथ काटने और आंख निकालने की बात कही थी, एक एसडीएम जो आईएएस की पोस्ट पर बैठा था क्या खोया क्या पाया, उस अधिकारी ने भी लठ मारकर किसानों को सिर फोड़ने की बात कही थी, उन सब बातों के लिए कम से कम उन सब बातों के लिए आज माफी मांग लेनी चाहिए, आज सब बातों की माफी लानी चाहिए। अब कि हमने उन किसानों को आतंकवादी भी कहा, माओवादी भी कहा,
और फिर भी वो बेचारे किसान डटे रहे अनुशासन के साथ और अपनी बात मनवाने के लिए शांतिपूर्वक गांधीवादी आंदोलन करते रहे। आज उनकी जीत पर कम से कम उनको बधाई तो दे ही देनी चाहिए कि जो हमारे से गलती हुई है किसानों के काम उनसे माफी मांग लेनी चाहिए। मेरा तो प्रोफेसर साहब से ये निवेदन है कि आगे जो भी किसानों के लिए इन्होंने इन्होंने जो भी लिखित में आश्वासन दिया है उनको जितनी जल्दी हो सके उन किसानों के लिए उनकी जो बातें उन्हें मान लेनी चाहिए ताकि किसान फिर से किसी आंदोलन के लिए ठीक है। किस तरीके से आप कंक्लूड कर रहे हैं, किस तरीके से आप कंक्लूड कर रहे हैं? मैं यही अभी मुझे डावला साहब ने जो बात कही जो इससे पहले रेडू साहब ने कही थी और उससे पहले स्वामी जी ने कही छोटे थी। से मैं जी मैं तीनों की बात को जोड़ते हुए उनकी बात में शामिल होते हुए ये कहता हूँ देश के अंदर कोई एक भी किसान की अगर दुखद हत्या होती है मृत्यु होती है तो मैं किसान हूं इसलिए इस नाते से मेरे परिवार का एक व्यक्ति जाता है चाहे वो मंदसौर में हो चाहे इंडियन नेशनल लोकदल की गोली से कंडेला में हो चाहे कांग्रेस की गोली से कादमा में हो लोनी में हो एक एक किसान जो कहीं पर भी किसी भी कारण से जिसकी हत्या होती है वो मेरे परिवार का व्यक्ति जाता है सबके लिए जो है हमारी संवेदना है हमारा दिल धड़कता है। ठीक है, इस कार्यक्रम में सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए अपना कीमती समय देने के लिए। तो फिलहाल आज जो परिस्थितियां जिस मुहाने पर खड़ी है क्योंकि किसान आंदोलन स्थगित कर दिया गया है किसान अपने घर लौट रहे हैं लेकिन समय समय पर किसान नेता तमाम परिस्थितियों की समीक्षा करेंगे ये बात भी लगातार कही जा रही है। तो कई तरह के प्रकरण सामने आए इस किसान आंदोलन के दौरान कई तरह के घटनाक्रम सामने आए और इस पूरी कहानी में लगातार और हर जनता अपने अपने तरीके से आकलन कर रही है लेकिन जो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं वे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जरूर नुकसान होगा लेकिन देखना होगा फिलहाल चूंकि चुनाव भी सर पर है किस तरह की परिस्थितियां देखने को मिलती है और किसानों का कितना बल आगामी चुनावों में देखने को मिलता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा।